झाड़ू मारते हैं, जब छठ पूजा आता है तो हम दरवाजे दरवाजे झाड़ू मारते हैं। कुत्ता मर जाएगा, बिल्ली मर जाएगा, इनके जिम्मे है। सर सुनाओ पहले, कौन आया है आप ये करने के लिए, हमको आप बताइए। ये जो दिन नाम का बैठा शुक्ला है, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है ना, मैं चाय किसी का पीने वाला हूँ, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा कहूँगा, चाहे वो डोम कलर का हो। मेरा सिद्धांत है, 5 साल रह चुके हैं, विकास इनका काम देख चुके हैं, ये नए खड़े हुए हैं, ये इनका कमी दिखा रहे हैं, दोनों में कौन अच्छा है? जैसे अच्छा का ही बात है, जैसे इनका पावर नहीं है कि किसी की बाप की जमीन में रोड निकलवा ले। 75 साल हो गया, अब कब विकास होगा सर? विकास नहीं होगा, जहाँ रास्ता बनाना है वहाँ गाय बछड़ा बांधा जाता है। अगर रास्ता फेंकवा दिया जाए, किसी बाबा जी का जमीन है, वो जमीन देने के लिए तैयार थे। ये खांजल है था, खांजल हमारे लिए नुआ है, हम उस तरह कुछ नहीं आता था जनता का, हमारे लिए कुछ नहीं आता था। ये लोग रोड निकलवाएंगे, जिनकी जमीन है वो निकलाएंगे, आखिर में देंगे नहीं तो लोग निकालेगा कहाँ से? रेलवे में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, रेलवे। अच्छा अच्छा, आपसे यही कहेंगे कि ढोलक छाप से उठे हैं तो खुद बजिएगा, लोगों से मत बजवाने की कोशिश कीजिएगा, अपने हाथ उनको बजाना है। भूख का दर्द वो बताएगा, भूखा रोटी का कीमत क्या होता है, इनका पेट भर का जानता है। सही है, कोई मर जाएगा उसके दरवाजे पर जाते हैं, सबसे पहले यही पूछते हैं। रोड का सफाई देखिए सर, रोड का सफाई देखिए, यहाँ पे लाइट दिखा रहे हैं आपको, रोड पूरा साफ है। यहाँ का हाथी का दो दांत होता है सर, खाने वाले दिखाने वाला, दिखाने वाले आप खड़ा मत हो, किए आने वाली जगह पे चलिए। आप तो चुनाव के समय आपका नाम मालूम होगा, चुनाव के बाद आपका नाम भूल जाते हैं, वो यादें नहीं करेंगे। पावल वाला हाँ हाँ आ गए, बैठे बैठे। जनता को भी प्रतिनिधि मूर्ख बनाना छोड़ दे, जैसे जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं वैसा अब नहीं चलेगा। देखिए बड़े बड़े दावे फेंकते हैं नेता, चुनाव आता है तभी दिखाते हैं ये कमी है। मान लीजिए इसी गांव में, इसी वार्ड में, एक नंबर वार्ड है घुटनी नगर पंचायत का, 15 वार्डों में, यहाँ पर अभी चुनाव जब आया रास्ता दिखाने लगे सब नेता मिलकर, पहले रास्ते का जिक्र कभी भी नहीं हुआ। नहीं सर, एक्चुअली बात सुनिए मेरा, क्या है यहाँ पे वार्ड नंबर 1 और 2 कंबाइन था यहाँ पे, रोड की समस्या सर देखिए, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक जहाँ तक जमीन मिला है कैंडिडेट को, वो बनवाया अपने तरफ से। अब सर सरकार तो जमीन लेके यहाँ पे आवंटित नहीं करेगी, आप जमीन दे रहे हैं आप रोड बनवा दो। एक्चुअली जहाँ तक जमीन का वो पॉसिबल हो पाया है, जमीन के अकॉर्डिंग रोड बना है, और फिर अब जो जीतेगा वो ट्राई करेगा कि जमीन लेके और फिर से रोड बनवाया जाए। यहाँ के जो पूर्व अभी तक जो रोड उधर बताया जा रहा है 10-12 घर है, उधर रोड नहीं बना है, बरसात में मुश्किलें हो जाती है। सर मिट्टीकरण का काम वहाँ पे हुआ है, इसका ये पुख्ता सबूत भी है, ये बजट के अनुसार वहाँ पर मिट्टीकरण इधर से जब पॉसिबल नहीं हो पाया तो दूसरे साइड से मिट्टीकरण का काम किया गया, लेकिन कुछ मामलों की वजह से वहाँ पे रुक गया है। और सर जो वार्ड मेंबर पहले थे यहाँ पे वो बहुत अच्छे थे। कैसा नेता पसंद करेंगे आप? आम जनता का परेशानी को समझे, दिन रात आपके सामने रहे, आपका काम करे, वही सबसे बेस्ट है। तो चुनाव आता है तभी बोलते हैं कि हम जनता के साथ रहेंगे, चुनाव के पहले कोई भी नहीं आता है। जीतने के बाद नेता अधिकारियों से जुड़ जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, चुनाव के समय ही नेता जो होते हैं जनता से जुड़े रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो हमारे वार्ड मेंबर है वो परमानेंट जुड़े रहते हैं, उनसे काफी हम लोग से क्लोज है, हारे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, और हम लोग चाहते हैं कि वही जीते वार्ड मेंबर 1 से। ये वार्ड नंबर 1 में नल जल की व्यवस्था देख लीजिए, उज्ज्वल योजना देख लीजिए, रोड की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। रोड उज्ज्वल में गरीबों से जो फ्री में दिया जाता है उसमें पैसा भी लिया जाता है? नहीं, पैसा कुछ नहीं लेता है सर, फ्री अपना पैसा लगा के दूसरे तक गैस पहुंचाते हैं। हमको सबसे देख सकते हैं उज्ज्वल योजना के तहत जो गैस सिलेंडर गरीबों को दिया जाता है वो फ्री में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कई प्रतिनिधि होते हैं जो पैसा 500, 1000, 2000 ऐसे ले लेकर मूर्ख बनाकर जनता को लूटते हैं, अपना जेब भरते हैं। आपको क्या लग रहा है, जो पहले वार्ड थे उस समय तो पंचायत राज था, इस समय नगर पंचायत हो गया है, फिर इनको आप लोग वार्ड पार्षद बनाएंगे? हाँ सर, दुराना चाहते हैं। यस सर, बार बार दुराना चाहते हैं, क्योंकि सर पहले निर्भय शुक्ला पप्पू हुआ है, क्योंकि सर पहले वार्ड मेंबर की जिम में इतना काम, इतना पैसा आता नहीं था, और 5 साल से सर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे। उसके बाद भी सर रोड की व्यवस्था देख लीजिए, नल जल व्यवस्था देख लीजिए, सबसे सुचारू रूप से सिवान जिले में मेरे गांव का ही चलता है वार्ड नंबर 1 का। वार्ड पार्षद तो आप लोग चुन लिए हैं, मन में बैठा लिए हैं, वो अच्छा है, इसीलिए आप लोग चुने हैं, नहीं तो जनता साफ नकार देती है 5 सालों में कोई नेता काम नहीं करता है, उसीलिए नकार देती है। काम यहाँ पर वो किए हैं तभी आप लोग के मन में बैठ गए। फेंकते बहुत है नेता लोग चुनाव में, जब चुनाव का टाइम आता है उसी समय जीतने के बाद अधिकारियों से मिल जाते हैं, जनता को डांटने लगते हैं, कोई काम अगर जनता मांगने जाता है या बोलता है कि ये हमारे कॉलोनी में काम है तो वहां पर डांट फटकार कर खदेड़ दिया जाता है, और इस समय नेता ही आपके दरवाजे पर आते हैं। इस तो जनता बहुत चला गया सर, जनता सर फर्क पहचानता है ना कि कौन चुनाव के टाइम आया है, कौन ऐसे सर, कोई कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं वो जीते हारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको जनता के बीच में सराहना है और जो काम है वो करेंगे। जीत हार सर सेकेंडरी चीजें हैं। इस बार चेयरमैनी के चुनाव में आप लोग क्या देखेंगे, जो बीच में रहा है उसी को जिताना है या जो पैसा वाला आ रहा है नया नया जुमला फेंक रहा है उसको जिताएंगे, किसको जिताएंगे?
चेयरमैन और वार्ड परिषद चेयरमैन का तो अभी कोई हम लोग डिस्कस किए ही नहीं हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि वो पहली बार जनता कैसा चुनना पसंद करेंगे जो पहले से ही आप लोग के बीच में आता है। हम लोग तो काम देखते हैं, उसको वोट देते हैं, देखिए जो काम किया उसको हम लोग देंगे, अब जो नहीं करेगा उसको। इतने चेयरमैन है, इतने में आप किसी को जानते हैं कि नहीं, कोई भी आता था कि नहीं? जानते, सब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उससे पहले इससे पहले कोई आता था कि नहीं चेयरमैन? आते थे काफी लोग, पर अभी कोई डिसीजन नहीं। हम लोग का दो डिसीजन कन्फर्म है जो आपको बता दिए, सारे लोग यहाँ पे पूरे गांव का, पूरे इस वार्ड का। हाँ, इस वार्ड का। चलिए अच्छा है, हम लोग सिर्फ काम वाले लोग, हमारे साथ खड़ा रहेगा उसको देंगे, वो हारे चाहे जीते, देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या थे और क्या है और क्या रहेंगे। जनता को भी प्रतिनिधि मूर्ख बनाना छोड़ दे, जैसे जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं वैसा अब नहीं चलेगा। बहुत दुख लगता है कि चुनाव के समय ही क्यों प्रत्याशी निकलते हैं, नेता क्यों जनता से मिलते हैं, इससे पहले जनता से जुड़े क्यों नहीं रहते हैं, ये समझ में नहीं आता है। जीतने के बाद क्यों जनता को भूल जाते हैं, या जो हार जाता है वो भी जनता के पास नहीं आता है, ऐसा होता है ना? हाँ सर, बहुत बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सर पहली बार निकलते हैं घर से पहचान बनाने के लिए, जनता का वोट लेने के लिए, लेकिन सर जो जो एक्चुअली में जनता के पास रहा है सर, जनता उनको पहचानती है, जो 24 घंटा दुख सुख में रहा है उसको सपोर्ट करेगी। पैसा सर सेकेंडरी चीज है, पैसा वैसा कोई बात है नहीं। जो निर्भय शुक्ला है, किसी मृत्यु में विमान बांधना हो, किसी भी एबीसीडी किसी भी व्यक्ति घर, कोई मरण हो, बत्ती गुड़ हो, 12 बजे रात में पहुंच जाएगा, और रोड सफाई करना, बंदर मर जाते हैं उसको ले जाकर कफन ढा करके नदी में परवाह करना, उसके ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। वार्ड मेंबर में किसी गरीब का सिलेंडर पास नहीं हुआ है, निःशुल्क एक पैसा नहीं लेता है, कंप्लीट है इनका। अब मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा व्यक्ति है कि वो उसके पास कुछ है नहीं, और हम बहुत निर्बोध आदमी है, हम बहुत निर्बोध आदमी है। अब देखिए यहाँ पर चाचा भी, और जितने जिसको जनता चाहती है, जिस पर जनता फूल बरसवाना चाहती है, बरसाना चाहती है, उन्हें ही सत्ता में लाना चाहिए जो जनता से हमेशा जुड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं इनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, ढोलक छाप है। अरे जैसे जनता का इन पर विश्वास है, जैसा काम किया है 5 सालों में, घर है मंदिर में बाहर से आया हूँ, इसी को लेकर इस समय यहाँ पर देख रहे हैं इतने लोग इकट्ठा हुए। इन्हीं का नाम है, क्या नाम है इनका? देखिए वो दुश्मन हो चाहे कोई रिश्तेदार हो, सबको सामान्य देखता है, चाहे किसी वर्ग के लोग हो, चाहे वो एनी बॉडी जितने कुम है सबके साथ रहता है। अब इस तरह कोई अनर्गल बात करे, लेकिन वह एक नंबर का वार्ड मेंबर है और सबके साथ रहता है। पूछिए किसी भी लड़के से, पूछिए किसी घर में, पूछिए किसी औरत से जाकर पूछिए। इनको फिर से आप लोग सत्ता में, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा रहे। ऐसा वार्ड सदस्य थे उस समय, नल जल योजना योजना में जो जो कार्य करवाया हुई, ये क्या और क्या चोरिया भी है, तिरुवम पड़ता है, जो संस्कृत विद्यालय है, पानी आता है पूरा पानी, जाकर पूछ लीजिए किसी का सिरे, यहाँ दो वो बनवाया है, वहाँ मलाल में जाकर पूछ लीजिए। और देखिए जनता किसी वार्ड मेंबर के बारे में ऐसा अभी तक नहीं बोला। नाम का खैर शुक्ला है, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, मैं चाय किसी का पीने वाला हूँ, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा कहूंगा, चाहे वो डोम कलर का हो। मेरा सिद्धांत है किसी को 100 नहीं मिलता है, लेकिन उसमें वो एक नंबर है। आप एक इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, औरतों से पूछ लीजिए जाकर के। अब जो औरत बाहर रह रही है वो तो नहीं जानती है, जो बहू है गरीब आई में अमीर का भेदभाव नहीं करते। नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं, आपसे कहा हूं पहले ना कि वो कोई भी कास्ट हो उसके अंदर भावना नहीं, मतलब नेता है प्योर 100%। आप ये रोड बहाना, एक गुह उठा लेना, उसका ये काम है। आपको क्या बताएं, हम कोई नहीं कर सकता है, कोई वार्ड में नहीं कर सकता है। कहाँ है इतने अच्छे नेता? चोरियाडी से मतलब है बेरोजगार, उनको सिलेंडर दिलवाने का है। हाँ, हाँ। तो अभी आएंगे आधे घंटे टाइम में। आप किस उम्मीद से आए हैं? गांव के विकास करने के लिए। विकास करने जी के लिए बहुत चीज है जो कि विकास नहीं हो पा रहा है। विकास पहले भी किया जाता है चुनाव के पहले, आप लोग चुनाव के टाइम ही विकास क्यों करते हैं? सर हम इसमें सहमत नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, हम कुछ तकलीफ से लड़ रहे हैं चुनाव। क्या तकलीफ? बहुत कुछ तकलीफ है हमारा, जो कि हम कह नहीं सकते, हम करके दिखा सकते हैं, कह नहीं सकते। चलिए जीतिए, सत्ता में आइए और करिए, जीतिएगा तो करिएगा, जो कहता है वो करता नहीं है। नहीं, नेता बस कहते हैं करते नहीं। हाँ, लेकिन हम करके, नेता बस कहते हैं करते नहीं है, वही बात है, हम कहते नहीं है करके दिखाते हैं। पूरी जनता इनसे सहमत है, ढोलक छाप से यहाँ पर जितने युवा है ढोलक छाप को पसंद कर रही है। अब इनको, इनसे मिलना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? वोट देते हैं आप? हम नहीं। कितना एज है? 16 बरस। 16 साल। अच्छा, आप तो तैयार हो आए हैं। चलिए बढ़िया, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कितने में? इंटर सेकेंड ईयर में।
किस विद्यालय से? राजकीय जीवन विद्यालय नहीं, LMT LMT में, LMT में रोज झगड़े होता है। हाँ गए थे आप, देखे हम। रजिस्ट्रेशन क्या बनेंगे? रेलवे में जाएंगे। रेलवे में जाएंगे? रेलवे में क्या नौकरी? देखे उसमें भरेंगे फार्म, वो सक्सेस है, मंजिल पा लेंगे। हाँ हाँ, हौसला बुलंद है आपका। हाँ हाँ, हाइट से हाइट नहीं रोक सकता? नहीं नहीं, हाइट नहीं रोक सकता। इसी में मस्त में जैसे लोग जीते हैं वैसे ही आप भी जीते हैं। हाँ, क्या काम कर लेते हैं ना? हाँ, सब भैंस सब चरा लेते हैं। पैरों तेरे का दिखलाएंगे? हाँ, दिखलाएंगे। चलिए बढ़िया, साइकिल चला लेते हैं। चढ़ाना पड़ता है। चलिए, साइकिल भी आपके लायक है, चढ़ाना पड़ता है, कोई चढ़ाएगा तभी चढ़ेंगे। चलिए बढ़िया। हाँ चाचा जी, कौन किसको जीता रहा है? वो जीतेंगे वही निर्भय सुप्रिया, क्योंकि सुनिए, वो पैसा कौड़ी या सवाल किसको पास नहीं है। ये मेरा मोहम्मद गोरी आपको बना देंगे, हम माल बनवाई दें, रास्ता बनवाई दें। ऐसा नहीं ना है, मान लीजिए ढोलक छाप है, बजाने से ही बजते होंगे। तो बजाने से गुण से बजेगा कि वैसे दम 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 करिएगा तो आपको पागले लोग कहेंगे, बजाएगा तभी बजेंगे। तो ऐसा नेता नहीं ना चाहिए जो खुद बजे, वैसा नेता चाहिए। निःशुल्क सेवा निःशुल्क करता है, ना किसी को लेना ना देना, वो भी कह दे जिसको सेवा में बेचारा हाजिर हमारे दरवाजे पर या किसी के घर पर, वो बेचारा आता है चलता है, वो चला जाता है, उससे उसको भावना ने, इसलिए 75% जागरूक उनकी पर है और 25 को तो चैलेंज नहीं कर। एक नंबर वार्ड में 75% जनता उनके साथ है ना? हाँ, 75 है उसमें का, 85 हो जाएगा। चेयरमैन में किसे लाना चाहेंगे? चेयरमैन में तो देखिए, वार्ड अगर पार्षद बनाना चाहेंगे तो चेयरमैन भी उस लायक होना चाहिए कि जाकर उससे काम ले ले। अब चेयरमैन नंबर में एक नंबर, मतलब ये गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता का वो क्या नाम है, मनोज, राजू, राजू गुप्ता जी। आ उसको बाद ये मनोज है, रामा शंकर गुप्ता का वो लड़का, मतलब इन स्थानीय सम्मानीय है। और 83 वाले जितने हैं ना, दिलीप गुप्ता, दिलीप गुप्ता, दोनों आदमी का आपको भी लड़ाई लग रहा है? यही है, ये है। इतने चेयरमैन उप चेयरमैन उठे हैं, क्या लग रहा है विकास करेंगे गुठनी का? मान लीजिए इससे पहले तो आप लोग के पास आते नहीं थे, गांव गांव घूमते नहीं थे, इस समय कोई भी घर छूटता नहीं है, किसी भी गांव में जाते हैं घर देख देख कर, गिन गिन कर उसमें जाते हैं, इस घर में कितने लोग हैं सब मालूम होता है। चुनाव के समय आपका नाम मालूम होगा, चुनाव के बाद आपका नाम भूल जाते हैं। वो यादें नहीं करेंगे, पावल वाला पर। हाँ हाँ, आ गए, बैठिए बैठिए। चुनाव के समय यहाँ पर नेता लोग क्या बोलते हैं? अरे अरे चाचा जी, पता ना कहाँ से उस समय नाम याद आ जाएगा। ये बहुत अच्छा, मतलब हाल चाल लेंगे। चुनाव के बाद साइड से गुजरेंगे, आपके तरफ देखते भी नहीं, केवल कहने के लिए विकास। सब नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है सर, देश आजाद हुआ 75 साल हो गया, बल्कि आज भी हम लोग गुलाम है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर नेताजी खड़े हैं, यहाँ पर जनता खड़े हैं जी। आइए थोड़ा इधर आइए, ये जो बोल रहे हैं सही है सर? बात तो सही है, आजादी के बाद से अभी तक इस वार्ड में विकास नहीं हुआ सर। सर विकास हुआ है ऐसा बात नहीं है, विकास करने के लिए सर नेते लोगों का सिर्फ हाथ नहीं होना चाहिए, विकास करने के लिए गांव, जो गांव के लोग हैं उनका भी कुछ हाथ होना चाहिए। ढोलक कहाँ गया? ढोलक छाप हमारे नेता जी आए हैं, उनका चुनाव चिन्ह ये देखिए सर। विकास हमारे नेता है, बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है। नहीं सर, आपको विकास देखना है, चलिए हमारे साथ आपको दिखाते हैं कहाँ विकास है और कहाँ विकास नहीं हुआ है। हमारे दरवाजे की बात नहीं कर सर, अपने पूरे मोहल्ले की बात कर रहे हैं सर। ये क्या विकास है सर? ये कौन सा विकास है? ये विकास होता है हमारे गांव में? ना रास्ता है, ना नली है, ना गली है, कौन सा विकास है? देखिए, प्रत्याशी है, बड़े बड़े नेता करते हैं। प्रत्याशी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, जनता चुनेगी आप लोग, जनता आप लोग के बीच में लड़ेगी। सुन रहे हैं आप? सुनिए, आपको विकास दिखा, चलिए हमारे मोहल्ले में दिखा, चलिए चलिए जाइए। विकास नहीं हुआ है हमारे मोहल्ले में और हमारे वार्ड में, केवल कहने के लिए विकास हुआ है और विकास के उद्देश्य से हम उतरे हैं। जो भी जो किया नहीं है 10 साल में, 5 साल में करके दिखाएंगे, इस उद्देश्य से हम उतरे हैं। ठीक है सर, हमको यहाँ पे अपना विकास अच्छा, नहीं करना है, हमें जनता का विकास करना है, अपने वार्ड का। हाँ सर बोलिए। इतना जोश आपको इस समय आया है चुनाव का? पहले भी था, पहले भी था, पहले भी जनता के बीच में रहे हैं, रहे हैं। उस समय किसी नेता के पास गए हैं? हो जाएगा बाबू, फार्म भराया गया है। पास गए थे हमारे जो पहले वार्ड पार्षद थे उनसे मिले हैं, मुखिया है उनसे मिले हैं, जो वीडियो है उनसे मिले हैं, सबसे हम मिले। नहीं सुना है सब लोग? ऐसा सब लोग चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं, कोई मुख्य पार्षद है तो कोई उप मुख्य पार्षद है, ऐसे करके चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बातें लोग रख रहे हैं। अगर विकास के नाम पर देखा जाए तो केवल धब्बा लगा है, केवल जनता को ठगा गया है, विकास कुछ नहीं हुआ है। अगर हम जनता जनार्दन से अनुरोध है, विनती है, नम्र निवेदन है, अगर ये लोग 5 साल का हमको मौका दे दे
जो जो 10 साल में नहीं किया है वो 5 साल में करके दिखाएंगे। अच्छा आप देखिए यहाँ पर एक ही है, कल भी है, एक, रहेगा। एक ही यहाँ पर इकलौते टेम्पू छाप है वार्ड नंबर एक से, जो यहाँ पर अकेले टेम्पू छाप आपके सभी जनता जनर से मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग मेरा इस जंग में साथ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रत्याशी सिंगल यहाँ पर खड़े हैं, पूरे जनता के बीच में यहाँ पर खड़े हैं, बोल रहे हैं इस वार्ड में विकास नहीं हुआ। अच्छा इस वार्ड में विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है भाई, विकास का इस वार्ड में विकास नहीं हुआ है। सर ये मैं वार्डो का हूँ जी सर, और हुआ है यहीं तक हुआ है, उसके बाद उधर नहीं हुआ है विकास। सर क्या विकास चाहते हैं सर आप? पहले सर वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी सर? लिटिल बिट सर पावर होता था पहले, एक मिनट, लिटिल पावर आप बोल रहे हैं सही में, लेकिन यही वार्ड इसी पद पे बोल रहे हैं आने के बाद मैं पूरा विकास कर दूंगा। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, वोट सर सबको मांगना है, सर जनता जिसे पसंद करेगी उसे चुनेगी, ये सर जनता पे छोड़ देनी चाहिए। विकास हुआ होगा तो दूसरा कोई जो विकास किया जीतेगा, विकास नहीं हुआ तो नया आदमी चुन के आएगा, ये सब जाहिर सी बात है। चलिए सही बात कर रहे हैं, जनता उन्हीं को सपोर्ट करेगी जो विकास करेगा, या जो विकास किया उनको जनता जरूर मतलब मौका करे, एक बार मौका जरूर देगी कि जनता के बीच में आए, पब्लिक में आए और एक बार जरूर जनता को सेवा करे और जो विकास अधूरा उसको पूरा करे। बल्कि हमारा वादा है सर, विकास है अधूरी और परिवर्तन है जरूरी, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। ठीक है सर, अगर तावे में सर आप रोटी पकाते हैं अगर एक तरफ रख दिएगा जल जाएगा, इसलिए घर में महिलाएं रोटी को पलटती रहती है, अच्छा सुंदर रोटी पके और बने तो वो खाने में भी देखने में अच्छा सुंदर लगता है। ठीक है सर, तो इसीलिए हर साल हर 5 साल पे हर व्यक्ति को हर बार एक नया चेहरा देना चाहिए, या अगर जो व्यक्ति अगर विकास किया है उसको मौका दीजिए। अब जनता से आग्रह करते नहीं कर रहे कि हम जो भी जनता सब दूध के धुला हुआ है, नहीं, बल्कि हाँ एक बार जरूर आईने उठा कर देखिए कौन जनता के लिए लड़ सकता है, चल सकता है, केवल कुछ दिखाने से नहीं होगा, जो सच्चाई है उसको दिखाया जाए। चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कहाँ विकास अधूरा है और कहाँ विकास नहीं हुआ है। ये तो चलने वाली रास्ता है सर, ये तो बस गांव से आए और यहाँ निकल आए। चलिए सर आपके दिखाते हैं। अच्छा आप ढोलक छाप हैं, आप ही हैं? अच्छा थोड़ा यहाँ पर खड़े हो जाइए जी। अब यहाँ पर दो प्रत्याशी हैं इस वार्ड में, यहाँ पर जनता है, अब डायरेक्ट आप लोग बोलेंगे, छिपेंगे तो नहीं, किससे चुनना है यहाँ पर डायरेक्ट बोलिए। चाचा छिपाइए मत, इसी के चलते विकास नहीं हो पाता है, जनता को खुला रहना चाहिए, जिसको जिताना है उसके तरफ से खुला रहना चाहिए। किसको जिताएंगे? जिसे समस्या ये है कि यहाँ पर विकास जैसे कि देखिए यहाँ पर एक खड़े हैं, एक मिनट, यहाँ पर एक खड़े हैं 5 साल रह चुके हैं, विकास इनका काम देख चुके हैं, ये नए खड़े हुए हैं, ये इनका कमी दिखा रहे हैं, दोनों में कौन अच्छा है? जैसे अच्छा का ही बात है कि जैसे इनका पावर नहीं है कि किसी की बाप की जमीन में रोड निकलवा लें, हम फांसा सुन रहे हैं सब रोड निकलवा रहे हैं, लेकिन जिसका जमीन है, जमींदाता जब तक देगा नहीं आप निकाल दीजिएगा, सरकार भी नहीं निकाल, सरकार भी निकाल सकती है। तो प्रधान रोड का बात छोड़िए, रोड का कोई मामला नहीं है, वही चलिए हम देखें, हम लोग बिगाए हैं, जिसको उस रास्ते से जाना है वही गिर दे रहा है ना, हम हमारे द्वार पर आगे लेना ना जाए। इस पर आपका क्या सर? इस सब परेशानी के चलते रोड नहीं निकल पाता है हर जगह है, बढ़ रही बात सर। देखिए अगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, रीजन क्या है? अगल बगल जो भी गांव है देखिए सर, हर जगह मुख्य मार्ग से हर गांव को जोड़ दिया गया है, हर गांव में आने जाने के रास्ता है। सर चलिए हमारे साथ आपको दिखाते हैं, अभी बारिश होगा तो हम लोग सोचना पड़ता है अपने चट्टी चौराहे पर, हमारे गांव के बटू बेहिया जो भी लोग हैं बहुए कैसे जाएंगी, पैदल जाए या घूंघट उठा कैसे जाए, जो जाएगा फिसल के गिर जाएगा, इतना पानी हम लोग जाते हैं और हेल कराते हैं, क्योंकि रास्ता का अभाव है, विकास ही नहीं हुआ है। रास्ता क्यों फंसा रह गया? रास्ता हमारे यहाँ फंसा नहीं है, हमारे यहाँ रास्ता का काम चालू है, जनता के सहयोग से हमने, जनता के सहयोग से हमारे यहाँ माटी गिरा हुआ है, हमारे दरबार जहाँ से मुख्य सड़क खत्म है वहाँ से माटी गिरा हुआ है, और यहाँ से लेकर के जो भोला चौधरी के घर मकान तक माटी गिरवा दिए हुए हैं, हमने गिरवाया, जनता गिरवाई, हमारे कहने पर गिरवाई है, कागज पर साइन करा के स्टाम्प हम हर एक आदमी से हर एक व्यक्ति से मिलकर रखे हुए हैं, और वो माटी गिरवा दिए जनता के सहयोग से, जनता का पैसा है, जनता हमको बुलाई बोली थी बाबा कागज आप लिखवा दीजिए हम माटी गिरवाएंगे, जनता का साथ हम है, जनता हमारे साथ दे रही थी, फिर उसको सरकार के खाते से क्यों नहीं बनवा दिया? अभी अभी तुरंत ये काम हुआ है, जो वो लोग सक्षम नहीं थे इलेक्शन में हमारे साथ था, बोले कि बाबा हमारे साथ के साल में जो काम नहीं हुआ वो एक महीने में नहीं होगा। ठीक है सर, आपके लिए 10 साल दिया गया, 5 साल समय बहुत होता है विकास करने के लिए,
नीतीश कुमार जी का नशा नीचे है। अभी पांच साल में हुआ है, पांच साल में हमारे रीजन में जो काम हुआ है उसको देखा जाए कि पांच साल में हम क्या किया, वो मुखिया भी नहीं कर पाएगा जो पांच साल में हम करके दिखाया है। राशन कार्ड नहीं है सर, और किसके घर गैस नहीं है, किसके घर बिजली नहीं है, जहाँ कनेक्शन जाने तक नहीं था बिजली, वहाँ हम बिजली हो पाए हैं। इनके पिताजी दरवाजे पर रास्ता के लिए दो साल पहले बात हुआ था। अच्छा, ये सात निश्चित योजना जो आया था सरकार का, नाला नूली नल जल योजना, ये सब धरातल पर सही से उतारे हैं। चल रहा है, अब देखिए उतरा है, उतरा है, अब कुछ कुछ गया है उधर, जितना संभव था वो तो हुआ है। 100% सरकार दी थी बनाने की, सरकार दी थी और हमारा ही है, हम नहीं देंगे, हम ही नहीं चाहते हैं तो कैसे होगा। हमको उसकी जरूरत है, हम उसको मना कर दे रहे हैं, तो इसमें हमारा ही प्रतिनिधि और सरकार की क्या जनता। तो बताइए, अगर आप नेता हैं इनकी जगह पे, हम जमीन वाले हैं, हमारी जमीन है, अगर हम जमीन ये नहीं देंगे यहाँ पे आप रोड कैसे डाल देंगे? इनके हाथ में है क्या ये हमसे आके जबरदस्ती इनको निकल इस समय, जमीन इस समय सकते हैं? जिस जमीन की, जिस रास्ते की बात हो रही है वहाँ पर जनता जमीन दे रही है सर, उस रास्ते से भी आते हैं और ये भी जाते हैं। मीडिया के सामने जो भी आ करे फोकस करे सर, हम बता रहे हैं एक हमारे घर के सामने पंडित जी का घर है, उनके घर जब शादी पड़ा उनके दूल्हे उनके लड़के को गोदी में उठा करके दूल्हे के रूप में हिलाया गया। रास्ता नहीं है सर, रास्ता कब निकलेगा सर? देश आजाद हुआ 75 साल हो गया, अब कब विकास होगा सर? विकास कब होगा? जहाँ रास्ता बनाना है वहाँ गाय बछड़ा बांधा जाता है। अगर रास्ता फेंकवा दिया जाए, किसी बाबा जी का जमीन है, वो जमीन देने के लिए तैयार थे, ये खानजा नहीं था, खानजा हमारे लिए हुआ है, हम उसमें कुछ नहीं आता था, जनता का हमारे लिए कुछ नहीं आता था, उसके बाद भी कई हाथ गोड़ जोड़ कर खानजा कराए, ये मेरी पीसीसी हो गया, मुखिया का साथ रखते हैं, हमारे साथ जो भी विकास हुआ है, आधा अधूरा हुआ है, कुछ तो पीसीसी हुआ है, लोग हम पा रहे हैं संभव तो जहाँ है वह बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए हमारे साथ हम दिखाते हैं, विकास करना है, हम विकास करने के उद्देश्य से उतरे हैं सर। चलिए, वो तो जनता चुनेगी। जी बिल्कुल, जनता चुनेगी, जनता जनार्दन से मेरा नम्र निवेदन है, एक बार सेवा करने का मौका दे। टेम्पो छाप मेरा चुनाव चिन्ह है, ईवीएम का 3 नंबर में मेरा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, और एक बार अगर सेवा करने का मौका मिलेगा बिल्कुल हम बदल कर दिखा देंगे। ठीक है सर, जनता दिखाएगी। कौन 5 साल में कार्य किया है या कार्य नहीं किया है तो किसको लाना है? जनता का कार्य है लाना सत्ता में, अधूरा काम को पूरा करने के लिए सर उतरे हैं हम। विकास है जरूरी सर, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है सर, सब काम अधूरा है, कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए सर दिखा देते हैं, अगर गहराई में चल रहा है। चलिए सर, के दरवाजे पर पैखाना बना है, बराबर समतल जमीन पर था, लेकिन उस दरवाजे की आगे माटी तोड़ कर गड्ढे किए हैं लोग। इनके दरवाजे पर जो है जो जो देखिए नाला कटा गया है, जो कैसे जाएंगे आएंगे, ये हमारे वार्ड में क्या कमियां है, खुद के लोग हमारे जहाँ से रास्ता बंद है वहाँ पे, अगर कहना नहीं चाहिए बल्कि खुल के कह रहे मीडिया के सामने। रही बात, अगर पंडित जी लोग हैं, सबसे मैं नव निवेदन, मेरी बात सबको दुख लगेगा, माफ करिएगा, क्योंकि देखिए सर जब भी यहाँ कोई फंक्शन पड़ता है इन लोग के 24 घंटा पानी मिलेगा, और हमारे यहाँ पानी की क्या असुविधा है, चलिए जनता जनता से बात कराते हैं, किसी को पानी देखने तक सहमत नहीं होती है कि पानी क्या होता है, अभी नहीं करेगा तो मिलेगा कहाँ से पानी, चकवा दिया गया है। चलिए सर, यहाँ पे चौरियाडी में वहाँ पे सर केवल फंड पास करने के लिए चार पानी आया, उसके बाद से सर जो बता रहे हैं, जो उधर छोटा सा कटा 10 घर है, नहीं सर उधर 150 घर ज्यादा है सर, 10 घर क्या होता है, पूरा जाए। जो पानी की समस्या है मेरे घर से हुई है, क्योंकि मेरा मकान बड़ा है, जेसीबी कोड़ी है वो कट गया, ये पाइप वाइप ले जाके सारा रखे हैं सेट करने के लिए, तो आप बताइए कि वहां से अगर मेरे मकान के अंदर पानी का पाइप पड़ेगा, लीक करेगा, तो दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? इनसे बात हुई, वो बोले कि हम हटा लेंगे, मेरी जमीन है, मैं आगे से दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है उसमें, जब तक बनेगा नहीं तब तक। देखिए यहाँ पर प्रतिनिधि प्रयास किया है, जनता रुकावट डाल दी है, बल्कि वो प्रतिनिधि जो हमारे मतलब जो भी हमारे मोहल्ले के लोग हैं उन लोग से ये बात रखा है कि 200-300 रुपए चंदा वो लगाइए, पाइप धोया जाएगा तब पानी धरा आएगा, नहीं तो पानी नहीं आएगा, तो सब जनता जनता बोले वहां से ऐसा बात, हम लोग को पानी अभी नहीं चाहिए, पानी हमको नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम पैसा देंगे तब पाइप जोड़िएगा और हमारे यहाँ पानी लाइएगा। ठीक है सर, हमको निस्वार्थ रूप से काम करना है, और पैसा अभी आज तक सुधा नहीं, 3 साल हो गया चलते हुए पानी को हमारे, अभी आज तक किसी के पास पैसा के लिए हम नहीं गए, कोई दिया नहीं, पानी का बिल नहीं, हम पानी का बिजली का बिल 22। अच्छा अच्छा, एक मिनट, पैसा आपको मिलता है सरकार जो फीस लगाई है महीने का 30? किसी से पैसा नहीं मिलता है,
हम बोले तो वो कहे सरकार अनाज दे रही तो पैसा कैसे हम सरकार को देंगे, सरकार पैसा हमको कहेगी तो हम देंगे। हम सरकार जनता के पास सरकार बोली है ना 30 रुपया महीना, 30 रुपया बोली है, हम जनता के पास गए, जनता कह रही है कि बाबा अभी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं है, कोरोना है तो है तो है, कोई पैसा नहीं दिया है। आज इनका आर्थिक स्थिति कम लोग नहीं दिए हैं, बहुत लोग दिए भी अभी नहीं के आगे लगा हुआ नहीं जाएगा, 30 रुपया सुधार सर, 30 रुपया उसका दाम देंगे महीने का, वैसे पानी मिलता है डेली, हम डेली मिलेगा, मिलता 30 रुपया तो नहीं मिलता है, सुबह शाम चलता है खाली सर, बट घर बनने की वजह से ना वो रुक गया है, बस पानी आता था हम लोग। चाचा ये बताइए, आप बताइए पिछले जो प्रतिनिधि थे कैसे हैं? बढ़िया है, हमें तो पानी मिलता है और ज्यादा भी था, हम बोल रहे हैं मेरे वजह से हुआ है, यहाँ खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे वजह से मेरा घर बन रहा है, जेसीबी की वजह से पाइप कट गया, वो बोले हैं लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं सुबह आया हूँ, आपके आने के लग रहा है आधे घंटे पहले यहाँ पर आया, पूरे लोग बोल रहे थे कि जो पहले थे उन्हीं को लाएंगे, ढोलक छाप को जी लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे वो लोग, क्योंकि वो अच्छा काम किए हैं, जो अच्छा काम किए वो तो दिखाई दे ही दे रहा है कि कहीं रास्ता नहीं निकला है, कोई विकास नहीं हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं ना, चलिए साथ में हमारे, मुश्किल बात विकास क्या होता है, जितना जाएगा वो अपना जमीन देते नहीं है, ये लोग रोड निकलवाएंगे, जिनकी जमीन है वो निकलाएंगे, आखिर में देंगे नहीं तो लोग निकालेगा कहाँ से, लोग जमीन नहीं दे रहा, हम कह रहे जमीन होगा तब हम देंगे जमीन, हमारे जमीन निकालिए, आपको वहीं से चाहिए, जमीन तो उसी का ना चाहिए, पड़ेगा हमको रास्ता कहीं से भी चाहिए, हमारे घर तक आए, हमारे जनता जनता तक आए, हमारे लोगों को मिले, हमारे वार्ड के लोग, एक मिनट एक मिनट चाहिए, आप जीत जाएंगे कैसे निकाल देंगे, वहां निकालेंगे सर, करके दिखाएंगे, तो वो आइडिया क्यों नहीं इनके सत्ता में लगा दिया, हम क्या करेंगे सर, कहे हैं बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, वही दिमाग लगाए होते नहीं सर, कहे 5 सालों में बात रखा गया है, वो बोले हैं ठीक है इनसे साइन करा लिए हैं, वो बाबा आ रहे हैं उनसे हो जाएगा, चल के करा दिया जाएगा, अब रोड निकल जाएगा, ये फंड पास हो गया है, इतना पैसा आया है, रोड निकाल दिया जाएगा, केवल 57 दिया गया है विकास के नाम पर, विकास नहीं हुआ है, अगर सर आपको विकास देखना है तो चलिए हमारे साथ, जहाँ विकास नहीं हुआ है यहाँ पे क्या खड़े हैं सर, ये तो RCC बना हुआ है, ठीक है सर, हाथी के दो दांत होता है सर, एक खाने वाला दिखाने वाला, ये दिखाने वाली जगह खड़ा मत दुखिए, खाने वाली जगह पे चलिए, आपको हम दिखाते हैं विकास क्या होता है सर, चलिए यहाँ पर जो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, हर गली से हर घर से लग रहा है यहाँ पर बच्चे, सब लोग बोल रहे हैं सर ऐसा नहीं है, बच्चे चलना चलिए दिखाते जाए, विकास नहीं हुआ उनसे पूछिए, ठीक है ना, विकास नहीं हुआ है उनसे पूछिए, जहाँ विकास दिखाई दे रहा है तो कब कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हमारे साथ आ रहे हैं, सुनिए एक बात सुनिए, हमारे घर तक रोड नहीं गया है, बात सही है, हम बाबा जी हैं ब्राह्मण, ये इन पे हम भी चाहते तो इनको अनर्गल बोल सकते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि जब आगे वाला जमीन अपना नहीं देगा तो ये अपने घर से लाके हमें रोड नहीं देंगे, लेकिन हमारे नेताजी नेताजी पे ये मतलब हमें पूरा विश्वास है कि अगर इस बार हम इनको नेता चुन करके जिताएंगे तो ये हमारे घर तक रोड पहुंचाएंगे और ये 100% पहुंचाएंगे। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं बस रोडवे मुद्दा क्यों, क्यों मालूम है गुठनी में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, एक ही मुद्दे खड़ा कर देते हैं, अच्छा अच्छा आपसे यही कहेंगे कि ढोलक छाप से उठे हैं तो खुद बजिएगा, लोगों से मत बजवाने की कोशिश कीजिएगा, अपने हाथ हमको बजाना है, हम अपने हाथ से बजाएंगे, या जो टोली में बिजली किसी के यहाँ नहीं था, हम बिजली वहां ले गए कि जो सक्षम नहीं था वो हम काम कराए हैं, 12-14 ठो पुल हलवा करके हम उर्खा तक बिजली ले गए, एक आदमी का आधार ले, एक आदमी का आधार से उनको कनेक्शन फ्री में दिए हुए हैं, उनके घर लाइट जलवाए हैं, वार्ड मेंबर उसको कहते हैं ना जो निस्वार्थ रूप से काम करे, ठीक है ना, जनता जनार्दन से पैसा लेकर उनका बिजली का बिल बनवाए, उनका पोल गड़वाए, उनका कॉलोनी दिलवाए, वार्ड मेंबर का मतलब नहीं होता है सर, अगर विकासशील वार्ड का मतलब ये हुआ कि जनता उनको चुनी है काहे लिए, विकास करने के लिए पूरे वार्ड में आपको अच्छा देखा गया, आप हमारे लिए कुछ करेंगे, कुछ चेहरा बनेंगे सर, एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए, एक नया चेहरा बनेंगे हमारे लिए, और सर आप हमसे पैसा लेंगे राशन कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड सुधरवाने के लिए, पोल करवाने के लिए, सर मेरा राशन कार्ड बना सर, सुनिए ना सर, आप वहाँ से एंट्री किए, यहाँ पर रोड बना है, वहाँ से एंट्री किया, जहाँ जहाँ जमीन मिला है वहाँ वहाँ रोड बना है, बस घूम लिया सर, कुछ हद तक सर खड़ंजे का भी काम हुआ था इसके पहले, पूरा गांव के अंतिम छोर तक, लेकिन सर जहाँ जहाँ जमीन मिला है इनको बनाने का प्रयास किया और बना भी है सर, लाइट का मुद्दा है सर, वर्षों से पुराना एक खड़ंजा है, कोई नई खड़ंजा नहीं है, इस पे RCC हो गया है, जो अधूरा काम है वो पूरा कैसे होगा इसके बारे में लोगों को सोचना तो चाहिए कम से कम, इसके वार्ड मेंबर के सर इसकी सीट कितनी थी सर, अभी वार्ड मेंबर बहुत है, वार्ड मेंबर अभी नहीं, और तो है कि जो चाहे खींच कर लाएगा वही जनता का आवाज सुनाएगा कि हमारे वार्ड में तकलीफ है, ये परेशानी है, वो जाकर कहेगा ना अपना वार्ड मेंबर ने बोलेगा, पंचायती राज जाता जाएगा मुखिया बात करेंगे सर, ऐसा नहीं की पंचायती राज में एक मतलब वार्ड मेंबर को कितना पावर मिलता है, टोटल पावर मुखिया के पास रहता है, मुखिया अगर चाहेगा तो वो विकास करेगा अपने क्षेत्र का,
देखिए मुखिया का काम है सर विकास करना, आप करवाए हैं मेंबर का सर काम है विकास दिखाना, रोडवा बनवाए मुखिया के व्यवस्था से बना हुआ हमारे सहयोग से बना हुआ है जी, सहयोग से बना है सर, इनके सहयोग से नहीं बना, जानता इनको मौका दी बल्कि विकास अधूरा हुआ, अब विकास पूरा करने के लिए मौका जहाँ खड़े हैं यहाँ से इधर कोई रास्ता नहीं था, न खड़ंजा था न कुछ था, यहाँ के लोग जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे वार्ड मेंबर ने गोल पकड़ के चाहे जैसे भी यहाँ से लेकर वहाँ तक खड़ंजा लास्ट तक खड़ंजा करा, लाइट खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, एक घंटे में लाइट बहाल होता है, पूरा रास्ता खराब हो जाए, दो घंटे लाइट बहाल होता है, कोई मर जाएगा उसके दरवाजे पर जाते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं, रोड का सफाई देखिए सर, रोड का सफाई देखिए यहाँ पे लाइट दिखा रहे हैं आपको, पूरा साफ है, यहाँ से वहाँ तक कितना मर जाएगा, बिल्ली मर जाएगा, इनके जिम्मे है सर, सुनाओ के पहले कौन आया यहाँ पे करने के लिए, हमको आज बताइए, ये जो दिए वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी है सर, ये वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी है, कुत्ता मर गया वार्ड मेंबर देखेगा, कुत्ता मर गया सर वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है ये सर, ये नहीं है वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है सर, सफाई कर्मी की जिम्मेदारी होती है, किसी को दिक्कत ना हो, नगर पंचायत हो गया है सफाई करने के लिए सरकार लगा दी है व्यवस्था, रही बात आप वार्ड है आप क्यों झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मारते हैं झाड़ू मारते हैं हर नंबर केवल जहाँ ये दिखाई दे रहा है जनता क्या बोले चलिए हमारे साथ जनता बोलते हैं वहाँ चलिए सर, वहाँ जहाँ विकास अधूरा है यहाँ क्या देख रहे हैं, वहाँ चलिए जिनको रास्ता नहीं है, आवास नहीं मिला है, जिनको परेशानी उन बताएगा, नौरात्र भूख का दर्द वो बताएगा, भूखा रोटी का कीमत क्या होता है, इनका पेट भर का जानता है, सही एरिया इस गांव में कहाँ है, एक मिनट बता देंगे आप, एक मिनट एरिया कहाँ है जहाँ ये बता रहे हैं, जहाँ आवास भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, नाला भी नहीं है, रोड भी नहीं है, नंबर एक है लाइट का पोल तो वहाँ तक पहुँचा हुआ है, जो घाट है नहीं आने से पहले से लाइन हो गया जाता है, और है ऐसा तो बिजली भी दिखा देंगे, ठीक है, अभी आज का ये है कि अगर आपके यहाँ हमारे यहाँ पहला ये क्षेत्र है कि यहाँ अगर लाइट खराब हो तो आधे घंटे के अंदर हमारे नेता अपने पास से पैसा लगा के लाइट जुड़वाते हैं, ना कि कोई ना कि चंदा लगाया जाता है, चंदा कौन देता है, अच्छा बताइए कौन चंदा दिया है, 100 रुपया जोड़िए, चंदा कोई दिया है, हमारे घर तक रोड नहीं गया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हाँ चंदा यहाँ तो कोई नहीं देता है, हम खुद है, हम उधर रहते हैं, हमारा घर उधर है, हम चाहते तो बोलते हैं लेकिन यहाँ नहीं है कोई, 100 बात की एक बात है, जनता जिसको पसंद करेगी उसको चुनेगी, वो जनता के ऊपर प्रत्याशी के ऊपर नहीं है, सही बात कर रहे हैं, और जनता क्या देखती है, जनता काम देखती है, ठीक है, और जो काम मौका देगा इनके बातों से सहमत है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, जनता जिसको पसंद करेगी उसको चुनेगी, ठीक है, जनता क्या चाहती है, विकास, जो प्रत्याशी विकास करेगा वो जनता चुनेगा, लड़ाई या झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाया जाए, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप लोग लड़िए मत, नहीं नहीं सर इनके बातों से सहमत है, जनता उनको मौका दे विकास तक पहुँचाए, ना कि लेकिन एक मिनट चाचा, इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग इन्हीं को क्यों पसंद कर रहे हैं, काम किए हैं तभी कर रहे हैं, कुछ लोग कोई भी ऐसा प्रत्याशी काम कोई भी नेता आज तक मैं नहीं देखा हूँ अपने गांव में अपने रोड का पर झाड़ू लगाए, कुत्ता मर जाए बिल्ली मर जाए उसको ले जाकर ऐसा कोई भी नहीं करता, लेकिन पहली बार कहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर रोड भी चकाचक है, सब चकाचक है, चकाचक चाहिए, चलिए दिखाते हैं कहाँ चकाचक नहीं है, चलिए हमारे साथ में है, हम 5 साल से हैं, 5 साल से हमारी औरत थी उसके बाद ही हम विकास किए हैं, हमारा धंधा कोई नहीं है, हमारी जनता सेवा करने के लिए है, हमारा कोई दुकानदारी नहीं है, हम घर के फेरे फूरे आदमी है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमारा सेवा करना धर्म है जनता का, जनता से पूछिए कि हम क्या किए या नहीं किए, उनसे मिलिए रोड के विषय में बताएंगे, बहुत अच्छी तरह बोलिए बाबा, कहा है बोलिए, किसको आप चुनेंगे, दोनों सामने खड़े हैं, दोनों तो भगवान जानते हैं, इसमें कहा दो रहा है, भगवान जानते हैं किसको चुना जाएगा, भगवान चुन कर लाकर आपके सामने थोड़े खड़ा कर लाते हैं, भगवान आप लोग इस समय इनके लिए भगवान है, ये इस समय ये आपके दरवाजे पर जाते होंगे तो बोलते होंगे आप ही मेरे भगवान है, इस समय आप भगवान है इनके लिए, सांसद बहुत विधायक लो आएंगे कही के चल जा लो अपने घर उसे क्या करे बा, रोड के मुद्दा ही बात, रोड के दूसरा की जमीन में दूसरा के रोड जमीन द्वार पर ना जाए, रोड जगह जमीन होकर बताओ कि हमारे जमीन जमीन देता है रोड बनो, लेकिन दूसरा के जमीन 5 बीघा 4 बीघा नुकसान करके जमीन द्वार पर ना जाए, अपन हम पूरा पकड़ ले,
आ दूसरा की जमीन में हम रोड बिगवाए कहा के नहीं, अब गवर्नमेंट के अलावा व्यवस्था है टाइप के कोनो। चलिए चाचा समझ गए आप इशारा कहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन काम बोलता है यहाँ पर यही दिख रहा है, ये काम किए हैं इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं काम बोलता है। जनता के सहयोग से फेंकवाए हैं उसको देख लिया जाए, कागज पत्र जनता से साइन करा के जिसका जमीन पड़ा उसके स्टाम्प पर साइन करा के रखे हुए हैं और लैंड में माटी जनता के सहयोग से माटी कटा है, हमारे सहयोग से नहीं, हम साइन कर बाबू हम वो भी दिखाएंगे, हम वो भी दिखाएंगे बाबू, एक हम माटी जो गिरवाए हैं हमारे रीजन में हुआ है जनता के अधिकार से, जिसका जमीन पड़ा वो साइन हमारे स्टाम्प पर किए हैं, हम उनके हाथ गोल पैर जोड़ करके साइन कराए हैं, उस जन उस रूट पे माटी गिरा है जनता के सहयोग से माटी गिरा हुआ है, हमारा पैसा नहीं है जनता का, जनता जनता जनार्दन है सर, जनता सुनिए जिनको होगा देखेगा कि हाँ भाई विकास हुआ है, जनता पर विश्वास रखिए, विकास नहीं हुआ तो जरूर परिवर्तन करेगी सर, ठीक है सर, ये बात सही बोले, इंतजार कीजिए 12 तारीख का, बिल्कुल बिल्कुल सर, समय का इंतजार करिए, चलिए यहाँ पर देख लिए, लेकिन काम बोलता है ये, यहाँ पर देखने को मिला कि कोई प्रतिनिधि घुटनी प्रखंड में या घुटनी नगर पंचायत इस समय हो गया है काम किया है, इसीलिए जनता इनके फेवर में हर जगह बोल रही है, लेकिन मैं किसी भी प्रतिनिधि को ऐसा घुटनी प्रखंड में नहीं देखा था कि रोड की सफाई करे, नाले की सफाई करे, रोड नहीं है जहाँ विकास है वहाँ चलिए, यहाँ क्या खड़े हैं सर, एक मिनट देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, उधर से भी कोई आया है वो जो बोल रहे हैं उधर ही के, ये लोग उधर के खड़े हैं, काम नहीं हुआ है बाबू, ये रोड है उधर बताओ, रोड निकला है उधर नहीं, नहीं क्यों नहीं निकला, वही रोड है या नहीं ये बताइए, मत बोलो क्यों नहीं निकला है बाबू, बाबू गैस मिल गया बताओ, गैस तो मिला है लेकिन रोड नाला वाला कुछ नहीं, नेताजी नहीं बना, अब जो जमीन नहीं दे रहा है तो क्या करें, बस वही आ जा रहा है सामने, वही सामने आ जा रहा है, अब जनता कुछ देगी जमीन, सरकार भी वहाँ पर नहीं करवा सकती, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए, जो भी सरकार से योजना फ्री में मिलने वाली है, हमारे यहाँ के प्रत्याशी लोग प्रतिनिधि जो भी बने हैं पैसा लेकर दिलवाते हैं, चाहे गैस हो चाहे उज्ज्वला योजना में कोई पैसा लिया है, कितना पैसा लगा सर बाबू, साफ बोलना यहाँ पर होपलेस नहीं किया जा रहा, गैस मिला था पैसा कोई लिया था तुमसे, अभी हमें मालूम नहीं है, हमें गार्जियन को मालूम होगा, उधर का और कोई है, उधर का और कोई है, उधर आवाज सुग्र सब काम नहीं हुआ है, हुआ है कुछ नहीं हुआ, रास्ता भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, रास्ता क्यों नहीं बन रहा है मालूम ना, क्यों कोई रास्ता में जमीन नहीं देता है, किसकी कमी है, जनता की या नेता, जनता की कमी है, नेता की कमी है, नेता प्रयास किया है बनवाने के, किया है फिर उज्ज्वला योजना का जो गैस इन लोगों को मिला है उसमें पैसा लिया गया है, जो दिया वो दिया, मेरे को नहीं मिला, नहीं जानते हैं, आवास उग्र उधर किसी को मिला, हमको नहीं मिला है, आपको नहीं मिला, नहीं मिला, आवास लेने काबिल है, पात्र एकदम है, एकदम है, यहाँ पर नहीं मिला है आवास, तो बोला आवास में जब नाम आएगा तभी तो आएगा, पूछिए उनको आवास आया है मिला है कि नहीं, उस लड़के का आवास आया है मिला है कि नहीं मिला है, पात्र है, आवास आया है मिला है कि नहीं, जॉब वगैरह कुछ ना, कुछ ना, कुछ ना, पात्र है नहीं, किसान का पैसा आता है पूछिए, किसान का पैसा आता है, किसान का पैसा आता है, हमको नहीं आता है, उनके घर आता है, देखिए जब शादी शुदा होगा तभी किसी का पैसा आएगा, 18 साल से ऊपर तो होगा उसी का पैसा आएगा, किसान का पैसा, जो भी बात है ओपिनियन करेंगे, अब जनता जिनको विकास नहीं हुआ वो विकास के बारे में बात करेंगे, जहाँ विकास हो विकास के बारे में बात करेंगे, भाई से पूछिए कि कॉलोनी मिला हुआ है, अब चाचा रहने दीजिए, मिला हुआ है, रहने दीजिए, लंबा हो गया, सबसे पूछ लिए, अब चलिए जनता का काम है किसको बीच में लाएगी, किसको सामने लाएगी, अगर पहले का ये काम किए होंगे तो इन्हीं को लाएगी, नहीं किए होंगे विरोध में आपको चुनेगी, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24